शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। रिएक्शन मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से इस समय पर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं और जिस तरीके से ग्वार के अंदर में हमने एक बार फिर से करंट आते हुए देखा है और ट्रेडर वापस से एक्टिव हुआ है यहाँ पर बाजार के अंदर में, क्योंकि आप फिजिकली मार्केट के साथ में काफी एसोसिएटेड हैं, तो आपको इस समय पर हाजिर बाजार कैसा दिख रहा है, वहां पे किस तरीके के करंट्स हैं और जो इस समय पर इंटरनेशनल सिनेरियो है वो क्या कहते हैं? सभी राज्यों को नमस्कार। देखिए, अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की, फिजिकल मार्केट की बात करें तो ग्वार का जो अनुमान लगाया जा रहा था लास्ट ईयर 2021 के अक्टूबर नवंबर में, जब हम जो अनुमान लगा रहे थे वो 35 से 40 लाख बोरी के आसपास में प्रोडक्शन की एक फिगर आनी थी, बट कहीं ना कहीं ग्वार का जो प्रोडक्शन निकल के आया है और जो सप्लाई मार्केट में देखने को मिली है वहां कहीं ना कहीं सप्लाई साइड पे प्रेशर देखा है। ग्वार गम की हम बात कर रहे हैं और ग्वार सीड की हम बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है, इंटरनेशनल मार्केट्स में देखिए तो ड्यू टू करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो पूरा चल रहा है वहां कहीं ना कहीं जो ऑर्डर्स है, जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स है और जो बायर्स है वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। हमारी जैसे बिल जो ग्वार गम की बिल्स है उनसे रेगुलर पे हमारे जो भी इंटरेक्शन और जो फीडबैक रहता है उससे हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि चाहे मतलब जो डिमांड है ग्वार गम की वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है। अभी लोग परचेज करने से अभी डर रहे हैं और ऑर्डर्स जो बल्क में आने चाहिए थे, जो एक्सपेक्टेड थे उनके, वो कहीं ना कहीं अभी रुके हुए हैं। एंड इसमें भी हमारे को क्या दर्शकों के लिए एक बेसिक से अगर हम बात करें तो ग्वार गम का जो एप्लीकेशन है वो 90% इंडिया में जितना भी ग्वार गम प्रोसेस होकर निकलता है उसका 90% हम एक्सपोर्ट करते हैं। वो एक्सपोर्ट यूज होता है क्रूड की, हम सभी बात कर रहे हैं तो क्रूड से लिंक ऐसा है, थोड़ा सा मैं एक बेसिक से जाना चाहूंगा। क्रूड जो रिग्स है पूरे वर्ल्ड में उसकी रिपेयर मेंटेनेंस में एज अ कंज्यूमेबल ग्वार गम यूज होता है एंड इंडिया का 90% प्रोडक्शन जो है वो ग्वार गम का सीधा एक्सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ग्वार सीड का और ग्वार गम का दोनों का प्राइस जो डिराइव करता है और वो कहीं ना कहीं ग्वार गम का एक्सपोर्ट का मेजर फैक्टर रहता है। और दोनों ही तरफ, एक तरफ ग्वार सीड के प्रोडक्शन में भी हमने कहीं ना कहीं प्रेशर देखा है और एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स में भी हमने थोड़ा सा कहीं डिमांड साइड पर भी हम प्रेशर देख रहे हैं। तो देखने वाली चीज रही कि आगे की करंट जो जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट अगर होते हैं तो ग्वार गम में कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिलेगी। और इसी को मैं फर्दर डेटा से अगर हम डेटा की बात करें तो 2013-14 में जहां क्रूड का प्राइस $120 डॉलर बैरल के आसपास पे कहीं घूम रहा था, वहां हमने ग्वार गम का प्राइस जो है 17,000-18,000-16,000 के आसपास हम देख रहे थे। लेकिन वही चीज आज हम देखें उन्हीं प्राइसेस क्रूड के प्राइसेस पे ग्वार गम में उतनी तेजी अभी तक आई नहीं। और यही एक फैक्टर मुझे पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं ग्वार गम में तेजी आनी अभी बाकी है। आपका एक अंतिम रिएक्शन और जरूर चाहूंगा ग्वार को लेकर के। आपने जो प्राइजेस दिए हैं कि ग्वार के प्राइजेस जो हैं वो तकरीबन 16-17 हजार रुपए का एक लेवल वापस से छू सकते हैं ग्वार गम, तो क्या लगता है ये कब तक प्राइजेस देखने को मिल सकते हैं? देखिए बिल्कुल 17,000 तक के प्राइसेस हम देख सकते हैं, पॉसिबल है। हाँ। इसके अंदर ये सब डिपेंड करेगा सैंक्शंस पे गोइंग फॉरवर्ड, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन वो कितनी ईज होती है उस पे, और जो सैंक्शंस यूएस अदर कंट्रीज पे या इंडिया पे लगा रहा है उन सब पे डिपेंड करेगा कि कितना क्रूड ऑयल ड्राइव करता है ग्वार गम के प्राइसेस को। आने वाले 2-3 महीने के अंदर में आई थिंक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए एंड एक जस्टिफाइड लेवल्स ऑफ प्राइस अगर हम देखें ग्वार गम की तो 16 से 17 हजार के आसपास में ये बनता है,
ये लेवल्स आ जाने चाहिए। ओके, 16 से 17 हजार तक के ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। युवराज जी, आपका लास्ट रिएक्शन चाहूंगा, इस समय पर क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को, फार्मर्स को? देखिए, पहली बात तो एनसीडीएक्स के ने जो पूरा एक इनिशिएटिव लिया है, एंड पिछले साल पर साल डेढ़ साल से हम देख रहे हैं, एग्रीडेक्स भी लॉन्च किया है और सेक्टोरियल इंडेक्स देखे तो ग्वारेक्स भी लॉन्च किया है, तो कहीं ना कहीं एनसीडीएक्स के तो पूरे एफर्ट्स हैं, जो इन्वेस्टर या फार्मर या ट्रेडर है उसे सेफगार्ड करने में। लेकिन कहीं ना कहीं ये ड्यूटी ना ही सिर्फ एनसीडीएक्स की है, ये हम जैसे स्टॉक ब्रोकर्स की भी है, कमोडिटी ब्रोकर्स की भी है, एंड ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की भी है कि एक बार ट्राई करें, एक बार इस चीज को एक चीज एक से ग्रो थ्रू हो, तभी ये चीज से समझ पाएंगे कि कितने क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो डेफिनेटली ऑन बोर्ड आए और इस चीज के बेनिफिट्स सभी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर के ऊपर, और खुद की रिसर्च जरूरी होनी चाहिए, साथ में खुद का लर्निंग एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए ट्रेडर्स को। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक, बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।